मुंबई के जोगेश्वरी वार्ड नंबर 62 में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई द्वारा 8 कामों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें ओशिवारा हिंदू शमशान भूमि का नवीनीकरण अहम कामों में से एक माना जा रहा था, जिसमें मनपा द्वारा करोड़ों रुपए का फंड जारी किया गया ताकि शमशान भूमि को और भी ज्यादा बेहतरीन और सुंदर बनाया जाए। इसमें गार्डन से लेकर कम उम्र के बच्चों को दफनाने वाले जगहों को डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये सारी जानकारी स्थानीय नगर सेवक राजू पेडनेकर द्वारा बताई गई। वह इस कार्यक्रम में आए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई द्वारा राजू पेडनेकर के बारे में कुछ अहम बातें बताई गई और साथ ही मुंबई की बढ़ती समस्या और आबादी को लेकर और उनके डेवलपमेंट किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही है इसके बारे में अहम बातें उन्होंने शेयर की। या भागातल्या नागरिकांना एक प्रकारचे शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो की एक इथे असलेली स्मशानभूमीची सुविधा आता फार चांगल्या प्रकारे पुनर्विकसित होत आहे आणि त्यामुळे तसं स्मशानात येताना सर्वजण दुःखी असतात, दुःख होत असतं, पण आल्यानंतर इथलं वातावरण हे थोडं प्रसन्न असायला काय हरकत आहे, तिथे सुविधा चांगल्या पाहिजेत आणि म्हणून आता जे भूमिपूजन केलं त्यामध्ये एक चांगला याच्यामध्ये विधी करण्याचा एक हॉल असेल, कर्मचाऱ्यांसाठी काही निवासस्थानं असतील, फार चांगलं बाग बगीचा इथे विकसित केला जाणार आणि सुशोभीकरण होईल अशा चांगल्या सुविधा यामध्ये होतात। हे ओशिवरा हे स्मशानभूमी ही गोरेगाव आणि चिलेश्वरी याच्यामध्ये मध आहे ओशिवरा नदीच्या काठावर आणि त्यामुळे ह्याचा लाभ जोगेश्वरीतल्या सर्व लोकांना, ओशिवऱ्याच्या सर्व लोकांना आणि गोरेगावकरांना होत असतो। इसी का नतीजा है कि आज मुंबई में इतनी अच्छी सुविधा है। आप देख रहे हैं कि कोरोना की इतनी महामारी थी और दूसरे जो विभाग है, दूसरे राज्य है, दूसरे शहर है, वहाँ तो एक हंगामा हो गया, लेकिन मुंबई में बचाव हो गया लोगों का और मुंबई में ये स्थिति को बराबर कंट्रोल में लगाया गया। इसका नेतृत्व आदरणीय उद्योग जी ने किया, मुंबई के जो विकास के काम है उस पर भी ध्यान दिया। हम देख रहे हैं कि अभी कोस्टल रोड बन रहा है, एक दो साल में वो पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से नरीमन पॉइंट जाने के लिए कभी कभी डेढ़ दो घंटे लगते हैं, वो 30-40 मिनटों में वो यात्रा सफल हो जाएगी। इतना सुंदर और एक्सप्रेस रोड कोस्टल रोड हो रहा है, साथ साथ में लगभग 14 मेट्रो की लाइनों का काम शुरू है। अभी एक के बाद एक मेट्रो लाइन जब उसका उद्घाटन होगा तो हम एक सुखद यात्रा का अनुभव करेंगे और इससे समय बचेगा, यात्रा सुखद रहेगी और मुंबई की जनता एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाएगी। ये मेट्रो का जो पूरा नेटवर्क है ये अभी धीरे 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 एक के बाद एक शुरू हो जाएगा। ये सारे जो काम है ये उद्धव जी ने मुंबई के हित के लिए ध्यान में रखते हुए काम किया है। पानी की समस्या भी दूर करने के लिए उन्होंने वैतरणा जो है, जिसको मध्य वैतरणा बोलते हैं, मिडल वैतरणा, वो एक डैम बनवाया जिससे मुंबई को ये पूरा जितना जरूरी है उतना पानी उपलब्ध हो गया। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कितने भी दूसरे शहरों में पानी के लिए संकट होगा, लेकिन मुंबई के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी लगातार मिलता है। ये सारे अच्छे काम करने के लिए ही जनता उद्धव जी के नेतृत्व पर विश्वास रखती है। आज मुंबई 30 साल से देखते हुए
आज जनता ने सोचा कि महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी उनको देना चाहिए और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अपना कर्तव्य निभा रहे, हम सब देख रहे हैं। तो आपकी ओर से मैं उद्धव जी के नेतृत्व को एक शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, ये जनता की आवाज़ है। आप सब लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए धन्यवाद। राजू पेडणेकर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई महानगरपालिका के माध्यम से 6.5 करोड़ का फंड का प्रयोजन यहाँ पे किया गया और उसका प्रस्ताव पास हुआ है और अभी आदरणीय सम्माननीय शिवसेना नेता और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई साहब जिसके हाथों से यहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम हमने किया। इस पूरे स्मशान भूमि के विकास में हम जो बातें हैं उसमें से यहाँ पे अत्याधुनिक निधि हॉल बांधा जाएगा जिसके माध्यम जिसकी वजह से परस्पर बाहर के बाहरी लोग उस विधि हॉल में जो 12वीं है 13वीं है 10वीं ये सारे विधि के काम वहाँ पे कर सकते हैं, उनको स्मशान भूमि के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। फिर कई सालों से डिलेबिलिटेड कंडीशन में हमारे यहाँ पे डेथ रजिस्ट्रेशन क्वार्टर्स, डेथ रजिस्ट्रेशन कार्ड क्वार्टर्स मतलब मृत्यु रजिस्टर नोन कारकुन वसाहत थी और ये वसाहत डिलेबिलिटेड कंडीशन में होने की वजह से इसको तोड़ा गया। अभी उसी जगह पे तकरीबन 5 माले की इमारत यहाँ पे हम जाकर के खड़ी कर रहे हैं। मुंबई महानगरपालिका का ये भी बहुत बड़ा स्मशान भूमि में काम है। यहाँ पे कई सालों से ऐसी व्यवस्था थी कि छोटे बच्चों को दफनाने की जो विधि होती है दफन भूमि वो अभी हमने वहाँ पे शिफ्ट किया और जगह पे शिफ्ट हुई स्मशान भूमि के अंदर ही। तो यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से ब्यूटिफिकेशन जो पूरा गार्डनिंग से लेकर के अलग अलग प्रकार के झाड़ लगा करके बगीचा टाइप सुंदर बगीचा बनेगा जिससे जो अंत्य यात्रा के लिए जो लोग आते हैं तो काफ़ी उदास और दुखी होते हैं तो उनका दुख तो दूर नहीं हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे वातावरण में वो बैठेंगे तो कम से कम दुख कुछ हद तक हल्का हो सकता है। और एक उपलब्धि यहाँ पर ऐसी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का मिरोल का यहाँ पे एग्जीबिशन किया जाएगा। उसके बाद में जो जूनी वास्तु है उसे पूरा रंगीकरण का काम, रंग रावटी का काम उसका होगा, कलर का काम होगा और आजू बाजू का परिसर पूरा पैसेज से लेके टाइल्स से लेके पूरा एक अलग किस्म का स्मशान भूमि का यहाँ पे दर्शन होगा। और हालांकि ये पितृपक्ष शुरू है और आम लोगों की भावना ऐसी होती है कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता लेकिन आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने भी आपके सामने ये बातें रखी, मैं भी ये बात रख रहा हूँ कि इन पितृपक्ष में हमारे जितने पूर्वज जो है इस भूतल पर आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए और उनके आशीर्वाद और मजबूती से सभी को प्रदान हो करके इस पितृपक्ष में भूमि पूजन का कार्यक्रम हमने किया। कुल मिला करके पूरे तकरीबन 5 से 6 लाख की जो बस्ती है आबादी है जिसमें गोरेगांव कर है, जोगेश्वरी कर है, अंधेरी कर है, आमूली कर है, ये सारे वासियों को इस स्मशान भूमि में सुविधा अच्छी तरीके से उपलब्ध होगी इसीलिए 6.5 करोड़ का प्रोविजन हमने इसमें किया और भी अगर बजट लगेगा तो फिर आने में उसको बढ़ाएंगे। और कब तक ये काम खत्म होने ये 24 महीने के कालावधि में पूरा होना है काम, 24 महीने में ये काम को पूरी तरह से अंजाम दिया।